फटाफट समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश की सरहद पर मर मिटने वाले अमेठी के दिनेश कुमार का सौधन जम्मू में हुए शहीद। बड़ी खबर, जनपद अमेठी के ब्लॉक भादर के अंतर्गत थाना पीपरपुर क्षेत्र के ग्राम सभा दुर्गापुर का है। आपको बताते चले कि देश की सरहद पर अमेठी का लाल बीएसएफ का जवान दिनेश कुमार का सौधन हुए शहीद। और जैसे ही यह बात उनके गांव दुर्गापुर में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए और गांव वालों में मातम का सन्नाटा छा गया और लोगों के आंखें नम हो गई। तो वहीं पर घर वालों का कहना था कि 2010 में हुई थी सेना में ज्वाइनिंग और साथ में दिनेश के बड़े भाई ने यह बताया कि 2013 में रायबरेली के बछरावा में उसकी शादी हुई थी। पत्नी महिला हेल्प डेस्क 1090 पर हेड ऑफिस लखनऊ में कार्यरत है और शहीद ने अपने पीछे दो बच्चे बेटी परी जिसकी उम्र 7 वर्ष और बेटा आदि जिसका उम्र 4 वर्ष को छोड़ गए हैं। पर आखिरी बार इसके पहले रक्षाबंधन पर आए थे और 1 सितंबर को ड्यूटी पर वापस गए थे। और शहीद जवान के पिता स्वर्गीय अजय कुमार उर्फ बुद्धू का निधन 2018 में हो गया था और 12 दिन पहले ज्वाइन की थी ड्यूटी और जम्मू में थे तैनात। बीएसएफ दिनेश कुमार का सौधन की उम्र लगभग 32 वर्ष की थी। वे 27वीं बटालियन में तंगधार सेना में हवलदार के पद पर जम्मू में तैनात थे और एलओसी पर ड्यूटी देते समय एकाएक शहीद दिनेश कुमार का सौधन सरहद पर लगे इलेक्ट्रॉनिक लाइन की चपेट में आ गए और इलेक्ट्रिक शॉट लगते ही जवान दिनेश कुमार का सौधन ने कहा, लाइट बंद करो करके चिल्लाने लगे और उनकी यह आवाज़ सुनकर अन्य जवान भी लाइट बंद करने के लिए बोले, लेकिन तब तक करंट ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया था और वो दीवार पर लटके हुए थे। बाद में फिर उनके शर्ट पकड़ कर नीचे खींचा गया और जवान दिनेश को अचेत अवस्था में तुरंत ही उन्हें यूनिट MI रूम में लेके जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल तंगधार ले जाया गया और सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने लगभग उन्हें मृत घोषित कर दिया और शहीद बीएसएफ जवान दिनेश कुमार का सौधन का पार्थिव शरीर बुधवार देर शाम लखनऊ से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया। तो वहीं सेना के अधिकारी अपने जवानों के साथ शहीद का पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंच गए। तो वहीं शहीद के घर पहुंचे DM व SP ने भी श्रद्धांजलि दी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।